कार्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके भूत भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां शत प्रतिशत सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार दर्शकों, तहे दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम बदल दे किस्मत में। मैं हूं आपके साथ मोनिका क्रोपर। दर्शकों, क्या आप जानते हैं, सफलता दुनिया को आपका परिचय कराती है लेकिन असफलता दुनिया से आपका परिचय कराती है। सफलता और असफलता में बहुत बड़ा फर्क है और निश्चित तौर पर आप हमेशा यही कहते होंगे कि हमें सफलता चाहिए जीवन में, लेकिन क्या करें, असफलता हाथ लग जाती है। तो कैसे आप अपनी असफलता को सफलता में परिवर्तित कर सकते हैं, कैसे अपने जीवन में खुशियों का संचार कर सकते हैं, ये खास तौर पर हम आपको बताते हैं हमारे इस बेहद खास प्रोग्राम में। क्योंकि दर्शकों, जीवन बहुत अनमोल है, बहुत कीमती है। इसको जितना खूबसूरत बनाकर रखा जाए उतना हमारे लिए बेहतर है, उतना ही खुशनुमा हमारा ये जीवन होगा। तो आज भी हमारा कुछ यही प्रयास रहेगा। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हमेशा की तरह स्वागत करते हैं हमारे बेहद खास मेहमान का। जी हाँ, जाने माने ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष सम्राट, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी का स्वागत है। गुरु जी, जय माता दी। हमारे साथ हमारे पहले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे हम जरूर बात करेंगे। लेकिन दर्शकों, आप सभी लोगों को एक विशेष सूचना दे दें कि जिनकी कॉल नहीं लग पाती है प्रोग्राम में, वो बात कर सकते हैं गुरु जी से सुबह 9 से 10 बजे के बीच में। 9 से 10 का समय खास तौर पर आपके लिए है जब आप गुरु जी से बात कर सकते हैं। आइए हमारे साथ दर्शक हैं, उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका प्रोग्राम में। जी थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज। नमस्कार सर। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। संदीप। संदीप कहाँ से बात कर रहे हैं संदीप? दिल्ली से जी। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी 5 नवंबर 89। 5 नवंबर 1989। समय बताएं जन्म का। रात्रि को 1:10। रात्रि को 1:10। कहाँ का जन्म है? हरियाणा का जी, जिंद का। हरियाणा में कहाँ का है आपका जन्म? जिंद हरियाणा। ठीक है, फोन लाइन पर हमारे साथ रहे। मैं साथ चार की रात है कि पांच की रात है? चार की रात, पांच की सुबह। अभी कुंडली बनी संदीप जी? नहीं सर, नहीं बनी है। तो सबसे पहले किसी ऐसे ज्योति से मिलके पूरी कुंडली बनवाइए और ऐसा कुंडली बनवाइए जहाँ की 24 कुंडली बनती हो, एक दो कुंडली नहीं। आपकी कुंडली में आपके करियर को और मैरिज को, ये दोनों को डिस्टर्ब कर रहा है। आपका अभी मैरिज नहीं हुआ है क्या? मैरिज हो गया। मैरिज हो गया है तो आपकी कुंडली में बना हुआ है चंद्र शनि का 20 दोष, और 20 दोष के कारण जो है, 20 दोष के कारण आपके साथ समस्याएं जो है बढ़ जाएगी। आपको करियर में परेशानी करेगा, आप लाख प्रयास करेंगे आपको लाइफ को पूरा स्ट्रगल कर देगा। जबकि कुंडली में बहुत सुंदर राजयोग बना हुआ है, ऐसा राजयोग बना हुआ है कि ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत टॉप का होना चाहिए। लेकिन ये आपको 2015 से ज़्यादा परेशान कर रहा है। आपका सिंह लग्न की कुंडली है, राशि आपके धनु राशि हो रखे हैं, तो आप एक अच्छे ज्योतिष से मिलकर के पूरी कुंडली बनवा लें। अच्छा से क्या आप सहमत हैं जी? क्या आप सहमत हैं? उम्मीद है आप सहमत ही होंगे क्योंकि शायद हमारा संपर्क आपसे टूट चुका है, आप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी बात हो, कोई भी सवाल हो या किसी भी प्रकार की जिज्ञासा हो, आप बेझिझक हमें सुबह 9 से 10 के बीच में कांटेक्ट कर लीजिएगा। दर्शकों, एक बार फिर से आपको कह दे, खास तौर पर क्योंकि काफ़ी दर्शक हैं जिनकी शिकायत रहती है कि गुरुजी से बात नहीं हो पा रही है, क्या करें, कैसे बात करें, लाइव प्रोग्राम में हमारा फ़ोन नहीं लग पाता है, तो ऐसे में निराश ना हो। सुबह 9 से 10 का समय खास तौर पर आप लोगों के लिए है। दर्शकों, आप इस समय पर जुड़ सकते हैं गुरुजी से, नंबर्स यही आपकी सहायता करेंगे जो नंबर्स लगातार हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आइए आगे बढ़े, एक दर्शक और, उनसे भी बात कर लेते हैं। ललित है गोरखपुर से, स्वागत है आपका ललित जी। मैं
मैं विनय बोल रहा हूँ गोरखपुर से। जी माफी चाहेंगे विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। ये मेरी डॉटर का है 27 मार्च 1996। ठीक है। 96 है? टाइम बताएं इनके जन्म का। टाइम सुबह का 5:45। कहाँ का जन्म है? गोरखपुर का। गोरखपुर। गोरखपुर का नाम बताएं बेटी का। शेफाली। शेफाली, अपनी बेटी शेफाली के बारे में जानना चाहते हैं। गोरखपुर का जन्म है सुबह के 5:45 का। जी शेफाली कुंडली जो है मीन लगन की है, राशि इनके हो रहे हैं मिथुन राशि। आपने जन्म पत्री बनाई है इसकी? हाँ लग्न, हाँ पर्ची बनी हुई है लग्न। हाँ तो मैंने आपको इसीलिए कहा कि आप इनकी पत्री खोल के देखेंगे, इनका चंद्रमा 3 नंबर में है और आगे पीछे बिल्कुल खाली है। अच्छा। इनका 2 नंबर का और 4 नंबर का घर जो है दोनों खाली है, अर्थात 4th हाउस में चंद्रमा है और आगे पीछे खाली है, और 4th हाउस होता है माता का होता है, इसके कारण से माता को भी कष्ट देगा, और मीन लग्न में चंद्रमा जो है उच्च शिक्षा का मालिक होता है, तो उच्च शिक्षा, संतान, इनकी करियर और साथ साथ इनको मैरिज में भी प्रॉब्लम करेगा। जबकि कुंडली में पंच महापुरुष योग बना हुआ है जो बहुत टॉप का होता है, और साथ साथ जो दशम घर है, दशम घर में गुरु मूल त्रिकोण राशि में आकर के बना दिए हंस योग। हंस योग का मतलब होता है ऐसे बच्चे यदि UPSC मारे तो वहाँ भी निकल जाएंगे। अच्छा, ये कुंडली में अच्छा। टीचिंग लाइन का ज़्यादा बेस बता रहा है, टीचिंग लाइन या बैंकिंग लाइन, ऐसे UPSC का भी बल इसमें दे रहा है, लेकिन एकमात्र चंद्रमा से केमदुम जो होने कारण से इस बच्चे को पूरी लाइफ खराब कर देगा। ये तैयारी करेंगी गवर्नमेंट जॉब की, निकलने नहीं देगा। अब विवाह की बात करेंगे तो बनने नहीं देगा। चंद्रमा के आगे पीछे खाली, सीधी उदाहरण, पूरी लाइफ खाली। इन्होंने कभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की है? नहीं, अभी तो हाँ ट्राई कर रही है, कोशिश कर रही है। जी ये कुंडली गवर्नमेंट जॉब का ही नहीं है, ये कुंडली UPSC का भी है, लेकिन अच्छा। इसके लिए पूरी 24 कुंडली बनवाइए, जो केमदुम योग बना हुआ है, जो ग्रहण योग बना हुआ है, उसका उपाय कीजिए। दर्शकों एक बात और, अधिकतर लोग क्या होता है जाते हैं ज्योतिष के पास, मेरे पास भी आते हैं, तो ज्योतिष जी क्या कहते हैं आपका काल सर्प दोष है, आपका केमदुम योग है, आपका फलाना दोष है, और पूजा पाठ करवा देते हैं। आपका ड्यूटी है, आपका फर्ज बनता है, क्योंकि आप ज्योतिष को फीस देते हैं, उनको पूछिए कि मैं कैसे मानूं केमदुम योग, कैसे मानूं काल सर्प दोष, इससे आप ठगे नहीं जाएंगे, फंसे नहीं जाएंगे। और मैं 2 मूल मंत्र आपको हमेशा दिया है इसे बचने का। पहला मूल मंत्र, किसी भी ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बताने का, और दूसरा मूल मंत्र, यदि रत्न पहनना पड़े तो ऐसे जगह से लेने से जहाँ से 10% काट के पैसे वापस हो जाते हैं। इस बच्चे को दुनिया की कोई भी ताकत गवर्नमेंट जॉब लगने से नहीं रोक सकता है, बशर्ते थोड़ी परेशानी है आप उसको उपाय कर दें। बस वही हाल हो रखा है कि मकान में पूरा वायरिंग तो हो रखा है लेकिन मेन फ्यूज उड़ गया, पूरे घर अंधकार हो जाते हैं। तो कुंडली बहुत टॉप की है, और उससे भी बड़ी बात, इनको टॉप का दशा भी आ रहा है। गुरु का दशा जो है इस बच्ची के लिए बहुत टॉप का है, अर्थात लग्नेश दशमेश का दशा आ रहा है। इनको तो कब का नहीं जॉब लगाना चाहिए था, लेकिन जो निगेटिव जॉब बन रखा है इनको परेशान कर रखा है। आप उपाय करवाइए, और आपको हम विश्वास के साथ कहेंगे कि UPSC और PCS में 90% ये निकल जाएगी, बस आवश्यक है इसकी निवारण करने की। क्या आप सहमत हैं? हाँ ये पूछना था, ये मैरिज का कब तक योग है इसका? अभी सोचिए नहीं मैरिज के लिए, मेरे विचार से अभी मैरिज के लिए बिल्कुल मत सोचिए, पहले इनकी अच्छा, करियर अच्छा। बनने दीजिए। इनका केमदुम योग बना हुआ है, आप यदि बिना निवारण कराए मैरिज कर देंगे, मैरिज टूटेगा, डाइवर्स होगा, बच्ची घर आ जाएगी वापस। हमारे पास जो प्रॉब्लम होता है हम प्रॉब्लम को उपाय कर लें तब आगे बढ़ें। जब सैनिक जाते हैं लड़ने के लिए तो पहले बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेते हैं, अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं, जो कि मैं कुछ मैं बचूं, तो इसके आप उपाय करके तब आप आगे बढ़ें। और इनकी विवाह की बातें जो हैं, इनको 2021 का मई के आसपास आ रहा है, तब तक पहले कोशिश करें इनकी अच्छी जॉब लग जाए, इनका बढ़िया करियर बन जाए, करियर बन जाएगा, आपको अच्छे लड़के मिलेंगे, अच्छे घर में इनकी शादी भी होगी। अगले दर्शक हमारे साथ राजेंद्र जुड़े हैं गोवा से, स्वागत है आपका। स्वागत है राजेंद्र जी, प्लीज टीवी के वॉल्यूम बंद करें, फोन के जरिए ही बातचीत करें, समय की कमी यहाँ पर होती है, उसे समझे। 14 अक्टूबर 1999 14 अक्टूबर 1999 समय बताएं। सुबह मिर्जापुर, यूपी मिर्जापुर जी, सुबह 10 से 11 के बीच में, सुबह 10 से 11 के बीच में। ये आपके बेटी हैं, बेटे हैं? बेटा है, बेटा। क्या है? नाम है इनका? दुर्गेश कुमार तिवारी। दुर्गेश, ओके।
उनके पिता राजेंद्र हमारे साथ डेट ऑफ बात कर बर्थ, रहे हैं गुरु जी। सॉरी सॉरी जी, बर्थ प्लेस, बर्थ प्लेस है इनका मिर्जापुर यूपी। मिर्जापुर, मिर्जापुर यूपी। आप तो इनकी कुंडली बेटा नहीं है, बनाए बेटा, होंगे। बेटा है हाँ जी, दुर्गेश कुमार तिवारी। आपने तो इनका कुंडली नहीं बनाया होगा। नहीं कुंडली नहीं बनाया, पड़ेगी जब टाइम ही नहीं पता कुंडली कहाँ से बनेगा, सीधी सी बात है। आपने एक पौने घंटा 11 बजे का, पौने 11 बजे का हॉस्पिटल में बोला था आपने, अभी कहा 10 से 11, अभी 10:45 बोल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं यदि 10:45 से देखता हूँ तो इनकी कुंडली में इनका जो स्थिति है वो बिल्कुल बॉर्डर पॉइंट पर लग्न आ रहा है। बॉर्डर पॉइंट का मतलब होता है जब एक लग्न दूसरे लग्न में प्रवेश करते हैं उसको कहते हैं बॉर्डर लाइन। 10:45 से इनकी कुंडली बन रही है वृश्चिक लग्न की, और राशि भी इनकी वृश्चिक राशि है। सीधी सी बात, वृश्चिक राशि का मतलब चंद्रमा को नीच का होना। और मैंने कई बार कहा है दर्शकों कि जिनकी कुंडली 8 नंबर से बनती है और ग्रहों का सपोर्ट नहीं मिला तो जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ते जाएंगे उनकी समस्याएं भी बढ़ते जाएगी। आप इसकी उदाहरण देख लो, 8, 8 2 16, 1 6 7, 1 अंक गिर गया, 8 3 24, 2 4 6, फिर गिर गया, 8 4 32, 3 2 5, फिर गिर गया। इस तरह से आप 8 को 8 तक पहरा पड़ेंगे तो गिरते गिरते 1 बचेगा। तो इसी तरह से जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएगा इनकी समस्याएं बढ़ते जाएगी और इनका लाइफ ड्रॉप करते जाएगा, गिरते जाएगा। इस कुंडली में जो परिस्थिति बन रखा है, तो सबसे पहले मैं देख रहा हूं इनके नमास कुंडली में बना हुआ है कालसर्प दोष और केमद्रुम दोष। नमास कुंडली जो होता है, नमास कुंडली से बच्चों का हम विवाह देखते हैं। 99 का जन्म है, अभी विवाह के लिए काफी टाइम है। हम सबसे पहले इस बच्चे की बात करेंगे कैरियर को लेकर के, कि कैरियर कहाँ जा रहा है इस बच्चे को जो कुंडली है। ऐसे बच्चे जो स्थिति बनता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेके पढ़ना, इंजीनियरिंग की तैयारी करना और जॉब करना, ये बिल्कुल बना हुआ है। लेकिन इनके दशमांश कुंडली में भी केमद्रुम योग है, नवमांश में भी है, चतुर्दशांश में बना हुआ है 20 दोष। तो आप तो ऐसे भी पांडे जी हैं, आपको तो कुंडली जरूर बनवानी चाहिए। सबसे पहले आप एक अच्छे ज्योतिष से मिल करके इनकी पूरी कुंडली बनवा लें। बहुत अच्छी कुंडली है, आप उपाय करेंगे तो 99% इनको गवर्नमेंट जॉब का पूरा पूरा जॉब बना हुआ है। लेकिन उपाय नहीं करेंगे तो जैसे जैसे मैं भी कहा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएगा बच्चे की परेशानी बढ़ते चल जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं, आखिर बच्चों को दशा क्या जा रहा है। दशा की ओर चलते हैं तो इनकी जो कुंडली बन रहा है इसके अनुसार केतु में बुध की दशा जा रहा है। तो वृश्चिक लग्न में केतु में बुध की दशा बिल्कुल निगेटिव हो जाता है। और एक चीज मैं और बता दूं, आप सावधान हो जाएं, इनको मई 20 से और बुरा समय आ रहा है। ये ग्रहों और दशा का चक्र होता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब दशा विपरीत आता है ना तो बड़े बड़े राजा रंग प्रधानमंत्री भी हिल जाते हैं, कोई नहीं रोक सकता है इसको। तब क्या होता है, अब सवाल है फिर उपाय क्यों। उपाय इसीलिए होता है कि हम हर निगेटिव को थोड़ा कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं और जब अच्छे दशा आता है उसको बल देने का प्रयास करते हैं, पॉजिटिव लेने का। तो आप इसकी कुंडली बनवा करके जितना जल्द उपाय करवा लें और बच्चे को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए बोलेंगे, बहुत अच्छी कुंडली है इसकी। क्या आप सहमत हैं? ठीक है, आपने जो बोला सब सहमत है। सहमत है तो जरूर ध्यान रखिएगा इन बातों का। और दर्शकों देखिए, ये हम नहीं कह रहे, ये आप ही कहते हैं कि आपने जो कहा हम उससे पूरी तरह से सहमत हैं। तो फिर इन बातों को अनसुना ना किया करें, इन चीजों को अपने जीवन में अमल लाने का प्रयास अवश्य करें, तभी जीवन संवरेगा, तभी जीवन सुधरेगा। आइए आगे बढ़े, अगले दर्शक से बात करेंगे। चरणजीत हमारे साथ संगरूर पंजाब से जुड़े हैं, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। जय माता दी। जय माता दी। डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ तो नहीं मेरे को पता जी। देखिए बिना डेट ऑफ बर्थ के कुंडली का आंकलन मुमकिन नहीं। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ का तो मुझे नहीं पता जी। आप कितना दिन से कार्यक्रम देख रहे हैं मेरा? मैं तो आज ही लगाया था जी। अच्छा, पहला बार देखिए कार्यक्रम को। हाँ जी, इस कार्यक्रम को पहली बार देखा है आपने? पहली बार देखा? आज पहली बार देखा जी। जी, तो क्या सिस्टम होता है ना कि हम देखते हैं जन्म कुंडली से, और जन्म कुंडली के लिए डेट ऑफ बर्थ टाइम का होना बहुत आवश्यक होता है। या तो आप डेट ऑफ बर्थ टाइम अच्छा से पता लगा लें, यदि नहीं है डेट ऑफ बर्थ टाइम पता तो आप किसी अच्छे पामिस्ट से मिले जो हस्तरेखा देखते हैं, और हस्तरेखा देख के हम गाइड कर देंगे उनका जाने। चलिए नरेंद्र पानीपत से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। यस मैम। डेट ऑफ बर्थ बताएं नरेंद्र जी। 23 मई 93। 23 मई 1994, समय बताएं। 93। ओके, आपने मंथ क्या बताया? 30/5/93। मई 93, ठीक है। समय बताएं जन्म का?
46 सुबह के शाम के? सुबह के 46। और कहाँ का जन्म है? अलवर। किन की डिटेल्स है ये नरेंद्र जी? है जी, ये डिटेल्स किन की है? ये मेरे बच्चे विपिन की है, 23/5/93 डेट ऑफ बर्थ है। ओके ओके, फोन लाइन पर रहे हमारे साथ नरेंद्र जी, फोन लाइन पर हमारे साथ जरूर रहे। विपिन अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हैं। हो रहा है कि जितने भी कुंडली आ रही है ना, बहुत टॉप की आ रही है। मैंने एक में देखा था तो हंस योग बना था, गुरु मूल त्रिकोण राशि में 10th हाउस में, और इस बच्चे का बना हुआ है 10th हाउस से शशांक योग। शशांक योग 12 तरह का होता है, तो 12 तरह में जो टॉप का होता है जब शनि 7 नंबर में होते हैं, और जब शनि 11 नंबर में होते हैं तो 2nd रैंक का होता है, और शनि 10 में जब होते हैं तो 3rd रैंक का होता है। तो इस बच्चे की शशांक योग जो है वो मिडिल क्लास में बहुत टॉप का बना हुआ है, अर्थात इस कुंडली का सीधे गणना होगा कि ऐसे बच्चों को 99% गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। लेकिन समस्या भी इनका लगा हुआ है, वो क्या है? सबसे पहली बात, पंचम घर में गुरु जो होते हैं तो निष्फल हो जाते हैं, और खास करके यदि गुरु शत्रु के घर में बैठा हो तो और डिस्टर्ब होता है। तो ये गणना आएगा कि ऐसे बच्चों को उच्च शिक्षा में परेशानी करता है, जब शिक्षा में ही परेशानी होगा तो फिर करियर में परेशानी करेगा। लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, मैंने देखा है बहुत बच्चों को, मैं देखा है कि मात्र इंटर पास किया हुआ है और बहुत टॉप का जॉब लगा है और टॉप का पैसा कमा रहा है। और बहुत ऐसे बच्चे मैंने देखा है जो बीटे कर लिया है, एमबीए कर लिया है, पीएचडी कर लिया है और जॉब ही नहीं मिल रहा है, परेशान परेशान है। तो इस कुंडली में स्थिति बनी है कि ऐसे बच्चे कम पढ़ लिखे भी बहुत टॉप जॉब करते हैं, लेकिन इनके साथ परिस्थिति क्या है, इनके लग्न में ही बना हुआ है ग्रहण योग, दो ग्रहण योग, सूर्य चंद्र और केतु राहु का पूर्ण दृष्टि पड़ रहा है, राहु भी नीच का सप्तम घर बैठा हुआ है, तो आने वाला कल में इनको विवाह में परेशानी करेगा और इनको साथ साथ करियर में भी परेशानी करने का प्रयास करेगा। क्यों? कि लग्न कुंडली का जो रिविजनल पार्ट होता है, जहां से हम दशमांश कुंडली देखते हैं, दशम घर तो बहुत टॉप का है लेकिन दशमांश कुंडली में थोड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जो शशांक योग है वो इस बच्चे को 99% गवर्नमेंट जॉब दे के ही छोड़ेगा। दर्शकों, मैंने अभी तक 19,890 कुंडली बनाई है, ये मेरा कटु अनुभव है कि जिसको मैंने कहा है ग्रहों को देख करके, आज माता रानी का आशीर्वाद से कोई बैक नहीं हुआ है। लाभ मिलना ना मिलना वो आप पर निर्भर करता है, क्योंकि लोग दिखा तो लेते हैं लेकिन उपाय नहीं कर पाते। अब किसी की प्रॉब्लम है, मैं हीरा नहीं पहन सकता, कोई कहेंगे पन्ना नहीं पहन सकता, कोई कहते हैं मैं निवारण नहीं कर सकता, तो भाई आप डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर ने कहा किसी को ब्रेन ट्यूमर है, किसी को पेट में स्टोन है, तो ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा। आप नहीं कराएंगे, दर्द से परेशान रहेंगे। तो आप इस बच्चे की कुंडली दिखाएं, बहुत सुपर कुंडली है, ऐसे कुंडली को 1000 में 1 कुंडली कहते हैं। और आप जब मिलेंगे तो मैं आपको डिटेल बताऊंगा, सुबह में 9 से 10 के बीच हमसे बात करेंगे। वृषभ लगन वृषभ राशि की कुंडली है, लेकिन इनकी जो कुंडली का स्थिति है 2017 से मार्च 17 से इनका समय थोड़ा सा रिवर्स उल्टा जा रहा है, और ये उल्टा समय जो है इस बच्चे का लगभग नवंबर 21 तक रहेगा। बस आवश्यकता है इसको उपाय करने की, एक बार उपाय कीजिए और हम प्रतिकूल समय को भी अनुकूल बना सकते हैं यदि ग्रहों का निवारण सही ढंग से किया जाए। क्या आप सहमत हैं? यस मैम। सहमत है तो जरूर इन बातों का ध्यान रखिएगा। ये आगे बढ़े, विनय हमारे साथ अमृतसर से जुड़े हैं, शायद संपर्क हमारा टूट चुका है, कोई बात नहीं, आप दोबारा से संपर्क साधने का प्रयास करें और कल सुबह 9 से 10 के बीच में भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दर्शकों, समय इशारा कर रहा है कार्यक्रम को भी यहाँ पर विराम देना होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, धन्यवाद उसके लिए गुरु जी। जी जी, नमस्कार जी। जय माता दी। शुभरात्रि। जय माता दी। क्या आपके घर में कोई शिक्षा, करियर, विवाह, नौकरी, व्यवसाय, दाम्पत्य या संतान सुख आदि समस्याओं से परेशान है? क्या आप राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं? चुनाव में सफलता नहीं मिल पा रही है? क्या आपको फिल्मी दुनिया या टीवी सीरियल्स के करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है? आपकी कोई फिल्म या सीरियल निर्माणाधीन है या रिलीज नहीं हो पा रहा है? क्या आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या राइटर बनना चाहते हैं? सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी, परामर्श शुल्क जनपत्रिका के साथ 11,000 रूपए, आजीवन सदस्यता 25,000 रूपए, अकाउंट नंबर SBI बैंक 3364257906, IFSC कोड SBIN 0016090,
मोबाइल नंबर 9430390373। आप आचार्य शिवानंद जी से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब बदल दे किस्मत, फेसबुक आचार्य शिवानंद, व्हाट्सएप नंबर 9430390373, वेबसाइट www.astroshivanand.com।